उमंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदरणीय मोहन गांधी लाले आसानसोल शाखा। शिल्पांचल में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी बकरी पालन पर निर्भर करती है। ऐसे में उनकी बकरियों को चुरा कर गरीब परिवार का नुकसान करते हैं चोर। बकरी चोरी से जुड़ी कई खबरें आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन आज की ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि ये बकरी चोरी किसी चोर उचक्के जैसे व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि हालिया संपन्न पंचायत चुनाव में तृणमूल के टिकट पर जिला परिषद की सीट से विजय हुए प्रत्याशी के भतीजे ने की। ये आरोप जामुड़िया थाना इलाके के बहादुरपुर के ग्रामीणों ने लगाया है। विजय हुए तृणमूल प्रत्याशी का नाम पुतुल बैनर्जी है और उसके भतीजे का नाम, जिस पर बकरी चोरी का इल्जाम लगा है, प्रशंजीत बैनर्जी बताया जा रहा है। क्या था ये वाक्या? प्रशंजीत अपनी चार चक्का वाहन में बहादुरपुर गांव से एक बकरी चुरा कर भागने की कोशिश कर रहा था। इतने में कुछ ग्रामीणों ने उसकी कार को घेर लिया और लात घूसों से उसकी खातिरदारी कर दी। हालांकि प्रशंजीत बैनर्जी ने अपने ऊपर लगे इस इल्जाम का खंडन किया है। घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के सामने भी प्रशंजीत को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के बीच बचाव के बाद प्रशंजीत को सुरक्षित वहां से निकाला जा सका। इस पूरे मामले पर पुतुल बैनर्जी का कहना है कि उसके भतीजे को साजिश के तहत फंसाया गया है। खड़ा खड़ा गले छोड़ लेंगे।